नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आप सभी को जो है इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राथमिक शिक्षक जो है बीपीएससी का जो टीचर का जो इसमें जो प्रीवियस ईयर का सेट दिया गया है जो 23/5/1999 को प्रथम पाली का सेट दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस सेट को लगाना ना भूलिएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो भोजपुरी नहीं बोली जाती है, तो सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर 3। दरभंगा जिला जो है यह बिहार का जो जिला है जहाँ पे जो भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर जगह। यहाँ पे दोस्तों ये निम्नलिखित में सम्मिलित करना है, तो ये जो है उस समय का जो क्वेश्चन था इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वही सही कालक्रम पहचानिए जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर संभाला था। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर संभाला था? तो ये हो जाएगा बिंदेश्वरी दुबे, उसके बाद भागवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है? तो एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3, चरम अवस्था पर जो है अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर देगा। सही कथन को पहचान करना यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये करेंट अफेयर दिया गया है तो उस समय कहा कि बिहार के देवघर और गुमला जिले क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जो है करेंट अफेयर का उस समय का था। तो जो है वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में जो कितना जो है यानी कि लिंगानुपात है तो 918 है, बिहार में 918, भारत में कितना है तो 943 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल का विश्वास था, तो स्वराज दल का विश्वास था क्या? तो संपूर्ण स्वराज में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। स्वराज दल का विश्वास था स्वराज संपूर्ण स्वराज में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव। यहाँ पे दिया गया है कि लाला लाजपत राय गदर पार्टी के संस्थापक थे, भूपेंद्र नाथ दत्त जो आजाद हिंद फौज के थे, और महादेव गोविंद रनाडे ये जस्टिस पार्टी थे। तो ये गलत है, जबकि एनी बेसेंट होम रूल से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो चलिए दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में, तो सभी लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो भाषा दिया गया है, और 10वीं में दल बदल दिया गया है, 10वीं में दल बदल, और 3री में क्या दिया गया, तो शपथ दिया गया है, 3री जो है शपथ हो जाएगा, और 4थी में सीटों का बंटवारा दिया गया राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा यानी कि 3-4-1-2, 3-4-1-2, तो दोस्तों 3-4-1-2 यानी कि 3 हो जाएगा। बिहार के सबसे ऊँची पर्वत चोटी 1365 मीटर है, तो कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताना है कि 1365 मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा 2 यानी कि पारसनाथ। तो दोस्तों उस समय जो था पारसनाथ ये जो झारखंड में है उस समय था दोनों एक ही था। झारखंड कब अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड अलग हुआ था, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो उस समय पारसनाथ इसका आंसर दिया जा रहा है। तो ये करेंट ये अब याद करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक भूकंप का कोणांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है कि विवादास्पद पुस्तक लज्जा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? विवादास्पद पुस्तक लज्जा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो 11 का आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 जगह, तस्लीमा नसरीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जगह। ए मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी गीत के लिखने किसने लिखा था? तो ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी ये गीत के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 यानी प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम जो है कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 13 की हो जाएगा 3, 13 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये फतेहपुर सिकरी की गुलबदन बेगम ये जो फतेहपुर सिकरी में इसको दफनाया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर दिया गया दोस्तों मिलान करने को दिया गया, यहाँ पर दिया गया गुलबदन बेगम,
तो गुलबदन बेगम जो हो जाएगा, तो ये जो हुमायूं नामा लिखा था, क्या लिखा था, हुमायूं नामा, और ये जो थी हुमायूं की बहन थी, क्या थी, तो हुमायूं की बहन थी, और इसने जो है हुमायूं नामा पुस्तक लिखा था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दो और चार सही हो जाएगा। संविधान का 74वां संशोधन जो है किससे संबंधित है, तो संविधान का 74वां संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो है ये शहरी तथा स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो शहरी तथा स्थानीय संस्थाओं से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए एम खुसरो हैं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2, यह 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे। ये दोस्तों करेंट अफेयर का था, ये याद करने की जरूरत नहीं था। ऋग्वेद काल के देवता को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद काल के देवता को जो क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा इंद्र और अग्नि, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बनी थी वह कौन थी, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आम्रपाली बनी थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था लुम्बिनी में, और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो 483 में हुआ था, कहाँ पे, तो देखा जाए तो इनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अगला प्रश्न कि पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 पुराण है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, 18 पुराण है। विजयनगर राज के संस्थापक कौन थे, तो विजयनगर राज के संस्थापक ये दो भाई कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हरिहर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, हरिहर ने स्थापना किया था। बीरबल का असली नाम क्या है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महेश दास जो है यह बीरबल का वास्तविक नाम है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर जाएगा। वह पहला किला जिससे शिवाजी ने जीता था, तो शिवाजी ने जो पहला किला जीता था वह कौन सा किला था, तो सही उत्तर जाएगा तोरण का किला, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, तोरण का किला सबसे पहले जीता था शिवाजी ने। टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो लोगों के घर को क्या कहते हैं, तो टुंड्रा क्षेत्र में जो एस्किमो लोगों के जो घर होते हैं उसे इग्लू कहते हैं, क्या चीज़, इग्लू जो होता है ठंडे प्रदेशों में इस प्रकार से बनाया जाता है, और यहाँ पे जो छोटा सा एक दरवाज़ा छोड़ दिया जाता है और इसी में जो लोग रहते हैं बर्फ़ों के घर, इग्लू जो होता है बर्फ़ का घर होता है। उस वस्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, तो चंडीगढ़ शहर का नक्शा किसने बनाया था, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा सरदार प्रीतम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा सरदार प्रीतम सिंह। सार्क देश का 11वां सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पे, तो सार्क देश का 11वां सम्मेलन आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में हुआ था, नेपाल के राजधानी काठमांडू में। गोभी मरुस्थल किस देश में है, तो गोभी जो है यह मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर मंगोलिया में। और थार कहाँ है, तो भारत में, और जो है सहारा कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया था, यह जो है उड़ीसा के बालासोर में जो है एक व्हीलर द्वीप से किया गया था अग्नि 2 का सफल परीक्षण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आकाश जो है जमीन, आकाश से जमीन में मार्ग करता है, यह गलत है, जबकि अग्नि मार्ग क्षमता 2000 किलोमीटर 2 का है, और नाक टैंक ध्वस्त कर सकता है, त्रिशूल जमीन से आकाश में मार सकता है, ठीक है, देखिएगा आकाश जो है जमीन से आकाश में मार करता है, यानी कि आकाश जो है जमीन से आकाश पर मार करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर गलत दिया गया है। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या है, तो मंगल ग्रह पर सबसे प्रथम कौन सा यान उतरा था, तो यह हो जाएगा पाथ फाइंडर, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, पाथ फाइंडर जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो है उपग्रह था। बैंकिंग सुधार समिति संबंधित 1998 के अध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, नरसिम्हा समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है, जो 1998 में अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे, तो तीनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे भीमराव अम्बेडकर, और एक और थे तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, देखिएगा तेज बहादुर सप्रू भी थे। अगला प्रश्न है कि वारशिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वारशिपिंग फॉल्स गॉड शीर्षक जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर
अरुण सौरी के द्वारा जो है वार्शिपिंग फॉल्स गॉड शीर्षक के पुस्तक के लेखक हैं। तालिबान हैं, तो तालिबान सभी लोग जानते हैं कि यह एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर सेन के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो नहीं लिखा गया है तो 33 का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, द ट्रम ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक। यह जो है अमर सेन के द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि कलेक्टिव च्वाइस एंड सोशल वेलफेयर लिखा गया है, ऑन इकोनॉमिक इनक्वालिटी ये भी लिखा गया, और पॉवर्टी एंड फेमिन्स ये भी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ये नहीं लिखा गया है, 4 नंबर नहीं लिखा गया है। 34 दिया गया हमारा प्रश्न है कि वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सकता है वह था? तो सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर 1, वह जो था स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा था। यदि पृथ्वी पर पाया जाने वाला 1 किलोग्राम भार सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह हो जाएगा? तो सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वह 28 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 28 गुना। ब्यागरा नामक औषधि जो प्रयोग में लाई थी किस लिए? तो यह औषधि जो प्रयोग में लाई थी किस लिए? तो रक्तचाप को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस परिषद संघ 2002 तक के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय का करेंट अफेयर है, तो इसका आपका सही आंसर उस समय था तो जस्टिस PC सावंत। तो 4 इसका राइट आंसर है, तो उस समय का करेंट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश कौन है? तो सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर जगह 2, हॉलैंड। हॉलैंड जो है समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश है। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या है? तो दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो कितना है, 28 जो है राज्य है, और जो है कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा। उस समय जो है एक करेंट अफेयर था, तो उस समय एक गलत हो जाएगा, एक आज याद करने की जरूरत नहीं है। बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बूझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि CaOH2। राष्ट्रीय गान जनगण के प्रेरणाता थे? तो राष्ट्रीय गान जनगण के प्रेरणाता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है जनगण मन के पंडित थे, इन्होंने जो है यह गान लिखा था, और पहली बार देखा जाए तो कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता के दूसरे में कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। और वंदे मातरम कब गाया गया था, तो यह जो है 1896 में गाया था, यह भी कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जा रहा क्या? तो दोस्तों ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसका अगर आंसर जानना चाहते हैं तो आपको इसको बता देता हूँ। तो 42 का आपका हो जाएगा 3 हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि वर्ष के रूप में मनाते हैं, तो ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है। उस देश का पहचान कीजिए जो अपनी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक खदान का आयात करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जापान। प्रोफेसर अमर सेन के अखबारों में इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि जो है, तो आपका इसका राइट आंसर उस समय करेंट अफेयर था, तो इसका करेंट हुआ उपयुक्त सभी थे, क्योंकि जो है उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था, उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध थे। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 विकसित करने का श्रेय जाता किसको? तो सही आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर विजय पी भाटकर को जो है सुपर कंप्यूटर परम 1,000 दिया जाता होना चाहिए, तो यहाँ पर 10,000 लिखा गया है, को विकसित करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर विजय पी भाटकर को। दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था कब? तो यह घोषित किया गया था 1911 में। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल ह्रास क्या होगा? तो मूल ह्रास देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह था? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यह जो मिलाया गया था 36वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या है? तो कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा कुंज जू जो है इसका कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम है। अगला प्रश्न है कि वह भारतीय बल्लेबाज जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 8,000 रन स्कोर खड़ा किया था, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है,
इस समय का करेंट अफेयर था, और इसका राइट आंसर जानना चाहते हैं तो इसको बताता हूँ, उस समय था मोहम्मद अजहरुद्दीन था, यानी कि चार था। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे जो हृदय में तीन भाग होते हैं, तो हृदय में तीन भाग होते हैं तो मेढक में, मेढक के जो हृदय में तीन भाग होते हैं, मनुष्य के हृदय में चार भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं तो मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। रक्त का थका जमने के लिए आवश्यक विटामिन होता है तो विटामिन के, विटामिन के जो है रक्त के थका जमने में अधिक मदद करता है। पेप्सिन बदल देता है किस में, तो पेप्सिन जो है यह किस में बदल देता है, तो यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में। वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन है, तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया पेचिस सभी जो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, जो प्रोटोजोआ से होता है। प्याज है, तो प्याज सभी लोग जानते हैं कि क्या है, एक प्रकार का देखा जाए तो सलकंद बल्ब है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस कौन सा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस हो जाएगा O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि पौधे में श्वसन की क्रिया होती है, तो पौधे में श्वसन की क्रिया रात एवं दिन दोनों में होती है। आंखों में प्रवेश कराने वाले प्रकाश का नियमन कौन, तो आंखों में जब प्रवेश कराने वाले प्रकाशों का निर्माण कौन करता है, तो आपका इस कैरेक्टर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा दो, यानी कि आयरिस। आयरिस जो होता है कि इसकी को जो है रंगापट कहते हैं। आयरिस जो होता है अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, और जब कम प्रकाश होता है तो ये फैलता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है, तो कीटनाशक है, तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि BHC जो है यह एक प्रकार का कीटनाशक है। इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, क्या है, हार्मोन। पौधे दिन में निकलते हैं, पौधे दिन में निकालते हैं और रात में लेते हैं, तो पौधे दिन में जो है ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 62 का क्या हो जाएगा, तो 62 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन है रात में जो है पौधे क्या होते हैं कि दिन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेते हैं, लेकिन रात में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, क्या होता है कि रात में जो है पौधे जो होता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो नाभिकीय संलयन के रूप में, ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर जाएगा। एक पीक को सेकंड बराबर होता है, तो एक पीक को सेकंड बराबर कितना होता है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10^-12 सेकंड। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता, तो न्यूट्रॉन, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आवेशित हैं, तो आवेशित किरणें हो जाएगी, तो 66 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गामा किरणें जो है यह आवेशित किरणें होती है, गामा किरणें। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे जो होती है यह आपका सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल को 0° से 3° तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो जल को 0 से 3° करते हैं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 68 का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। आयतन देखिएगा तो इस प्रकार से चलता है, यहाँ पे हो जाएगा 4° होता है और यहाँ पे जो है 0° होता है, 0 से नीचे आता है तो क्या होगा, तो यहां तक जो घटेगा, फिर जो 4 तक आएगा, फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा, तो -40° इसका राइट आंसर होगा, -40°। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि प्रकाश वर्ष जो है मापता क्या चाहिए, तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी को मापता है, किसको, दूरी को, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान होता है, तो सूर्य जो है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है,
तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर किसी भी वस्तु को फेंक देंगे तो लौट कर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का एकमात्र जो है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ये याद रखिएगा। मंगल ग्रह को जो लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसके जो है दो उपग्रह हैं फोबोस और डिबोस। डिबोस जो है यह सबसे छोटा जो है उपग्रह है। और शनि में जो है क्या होता है कि शनि में जो है यह ऐसा जो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको पानी में डाल देने पर तैरेगा। शनि का हर एक टुकड़ा पानी में डालने पर तैरेगा। इसका घनत्व तो क्या होता है, पानी के घनत्व से भी कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शनि इस चंद्रशेखर को भौतिक के किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र के लिए, तो ऑप्शन नंबर जगह 74 के 3 हो जाएगा, खगोल भौतिक के लिए, खगोल भौतिकी के लिए। रासायनिक यौगिक का उदाहरण है, तो रासायनिक यौगिक का उदाहरण हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि जल। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जंग लगेगा तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बताना है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा 77 का क्या हो जाएगा, तो 3। मोमबत्ती का जलना जो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना, पानी में शर्करा का घुलना, लोहे की छड़ का चुंबकीकरण, तो यहाँ पे 3 इसका राइट होगा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चूने को पोताई से उत्पन्न चमक किससे बने होते हैं, तो चूने को पोताई से उत्पन्न जो चमक हो किससे बने होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बने होते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, मीथेन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय स्रोत पूछा जा रहा है तो सूर्य जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। दो गेंदे जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है, तब क्या होगा, तो दोनों एक साथ जो है पहुँचेगी। कैलामेल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैलामेल का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि HG2Cl2 इसका राइट आंसर होगा, कैलामेल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। एक वाष्प इंजन है, तो एक वाष्प इंजन कैसा इंजन है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाह्य दहन इंजन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है, तो अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा 85 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 प्रसारण तरंगें जो है यह जो है क्या है विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो वायु प्रदूषक नहीं है, तो दोस्तों 86 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कार्बन, यहाँ पे दिया गया वायु प्रदूषक नहीं है, तो नहीं है, तो 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोकार्बन गैस है, तो यहाँ पे वायु का प्रदूषण करने वाला, तो वायु को प्रदूषण करने वाला CO2 नहीं है, क्योंकि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, किसको, ग्लोबल वार्मिंग को। कठोर जल है, तो कठोर जल क्या है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 समुद्र का जल। ओजोन क्षेत्र वातावरण में उत्पन्न होते हैं, तो ओजोन क्षेत्र वातावरण में उत्पन्न होते हैं किस प्रकार से, तो 88 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होते हैं। कांसे के अवयव हैं, तो 89 का क्या हो जाएगा, तो कांसे के अवयव हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर 2, ये जो हो जाएगा सीयू अवयसन का अवयव होते हैं, सीयू अवयसन का। सही प्रकार के इस्पात में रहता है, तो जो सभी प्रकार के जो इस्पात होते हैं उसमें क्या रहता है, तो कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर कार्बन होता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होते हैं, तो गैस कार्बन की भौतिक अवस्था है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 91 का हो जाएगा, एक ठोस होती है। अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए उपयोग आने वाले गैस कौन है, तो एथिलीन या एसीटिलीन कहते हैं। निम्नलिखित में से किससे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं, तो ठोस स्नेहक के रूप में किसको लाते हैं, तो 93 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ग्रेफाइट को। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से देखा जाए तो क्या मिलता है, तो पॉलीथीन मिलता है, क्या, पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 100 वाट के एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन तक जलता है, तो बिजली की खपत क्या होगा,
तो कितना जाएगा 8 5 40, 40 में जो है 2 5 0 हो जाएगा 40 पर, 1 2 0 यानी कि 4000, यानी कि 1000 से भाग दे देंगे तो यूनिट में बदल जाएगा, तो यानी कि 4 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 जो है यह क्या है, तो विटामिन B2 को जो है 96 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 2, इसको राइबोफ्लोविन कहते हैं विटामिन B2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं, तो केसिन कहता है, केसिन। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति के उत्पादन से संबंधित क्या हो जाएगा, तो दूध के उत्पादन से, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी था, तो ये जो 1984 में छोड़ा गया था, 1900 लीक हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ऑप्शन नंबर 99 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। और आज का अंतिम प्रश्न दिया गया दोस्तों कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर 9 समाप्त होता है, हमें उम्मीद है कि आपको इसमें स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा, आप अपना स्कोर जरूर वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।